जय भवानी जय शिवराय। आज मातृदिन है छत्रपति शिवाजी महाराज के माता राष्ट्रमाता राजमाता जिजाऊ माँ साहेब, इनको नमन करके और छत्रपति शिवाजी महाराज को भी वंदन करके मैं शिव व्याख्याता प्राचार्य दादा साहब कोरेकर पावास आज छत्रपति शिवाजी महाराज के राज परिवार के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज परिवार जो रायगढ़ और उसके पहले राजगढ़ पर स्थित था, पहले राजधानी उनकी राजगढ़ थी और उसके बाद रायगढ़ बनाई गई। जब शिवाजी महाराज छोटे थे तब वे पुणे में अपने माँ के साथ रहते थे। पहले खेड़े बारे में मतलब खेड़ में शिवापुर के पास खेड़ नामक एक देहात में रहते थे। जब ही वो पहले पुणे के अपने जागीर में आ गए, यहाँ लाल महल नाम का महल बनवाया और जहाँ जिजाऊ माँ साहब अपने बेटे छोटे से जिस पर संस्कार करते रहे, रामायण महाभारत की कहानियाँ सुनाती रही और उनके सामने एक निश्चित ध्येय था कि हमारा राज बने एक दिन, हमारे बड़े बड़े सरदार मराठा सरदार मुगल के चाकर हैं, अदिल शाह के चाकर हैं, निजाम शाह के चाकर हैं, वे उनकी ताकत बढ़ाते हैं और हम उनके चाकर बनते हैं। इसीलिए उन्होंने सोच लिया था कि हम अपना राज्य बनाएंगे और इसीलिए वो अपने बेटे पर संस्कार करते रहे। उनके पिता लखोजी दादवराव निजाम शाह के बड़े सरदार थे, उन्होंने बहुत ईमानदारी से सेवा की थी, फिर भी उनके डर से निजाम शाह ने उनको दौलताबाद के किले में बुलाकर जिजाऊ के पिता और तीन भाई और इनको कत्ल करवाया गया। इसलिए उनके सामने एक निश्चित विचार था कि हम यवनों का राज्य नष्ट करके हमारा राज्य बनाएंगे और इसीलिए उन्होंने अपने बेटे को उसी प्रकार की शिक्षा दी। लाल महल में रहकर उन्होंने अपने जागीर का कारोबार शुरू किया, लेकिन बीच बीच में यवन आते थे, सरदार आते थे, लूटमार करते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए जो निश्चित स्वरूप जागीर का तैयार करने का विचार किया और उसके पीछे शाहजी महाराज भी थे जो आदिल शाह के सामंत थे और उनको आदिल शाह ने पुणे सूपा और इंदापुर चाकन की जागीर दी थी पुणे के पास, और राज कारोबार करने के लिए अपना बेटा छोटा सा, उस समय उनकी आयु केवल 9 बरस की थी, और जिजाऊ को भेजा और यहाँ आकर उनके कुछ कारोबार करने के लिए साथीदार भी वहाँ से भेजे थे। यावत प्रतिपद चंद्र लेखे वर्जिष्णु विश्व वंदिता शाह सुनो शिवशैषा मुद्रा भद्राए राजते मुद्राए भद्राए राजते, इसी प्रकार की मुद्रा दी थी कि जिसका ये अर्थ होता है कि शाहजी पुत्र शिवाजी की ये मुद्रा है और ये दिन ब दिन बढ़ती जाएगी चंद्रमा के समान। तो इसी प्रकार यहाँ आने पर कारोबार शुरू किया, लेकिन बीच बीच में आदिल शाही सरदार हस्तक्षेप करते थे, लोगों को लूटते थे, मारपीट करते थे। जिजाऊ बादशाह अपने सोच लिया और अपने पुत्र को प्रेरणा दी कि तुम्हें स्वराज्य की स्थापना करनी होगी, और सन 1945 में शिवाजी महाराज और उनके साथियों ने स्वराज्य की स्थापना की। उनके साथीदार मावल प्रांत के किसानों के बेटे थे, पहले किसानों को बेटों को उन्होंने क्षत्रिय होने की प्रेरणा दी और उनके शस्त्रास्त्र चलाने की व्यवस्था किया, और बाद में उन्होंने यवन लोगों से लोहा लेने की कोशिश की और इसमें आगे चलकर उनका साम्राज्य स्थापित हुआ, राज्य स्थापित हुआ। बल्कि इसके पीछे माँ जिजाऊ इनका बहुत बड़ा योगदान है और पिता शाहजी महाराज का। माँ जिजाऊ ने उनको हमेशा प्रेरणा दी और छत्रपति शिवाजी महाराज आगे बढ़ते गए। अब जिजाऊ ने सोच लिया कि मेरा तो इकलौता बेटा यहाँ है, दूसरा बेटा संभाजी राजे वो विजापुर में शाहजी राजे के साथ रहता था, आगे चलकर उसकी भी युद्ध में हत्या हुई,
मारे गए हो। फिर अकेला बेटा है इसीलिए उन्होंने सोच लिया कि बेटों की शादी कर बेटे की शादी करते वक्त उन्होंने ऐसे सामंत सरदार चुने कि जिन्होंने आगे चलकर स्वराज्य को ताकत दी। उनके पहली जो बहू थी मतलब शिवाजी महाराज की पहली पत्नी थी सही भाई, आज मैं उनके राज परिवार के छत्रपति शिवाजी महाराज के राज परिवार के बारे में बताना चाहता हूँ। सही भाई उनकी पहली पत्नी थी जो निम्बाळकर खानदान से आती। यह निम्बाळकर खानदान मतलब राजस्थान से आया हुआ परमार पवार खानदान है और वही फलटन के राजे निम्बाळकर की पुत्री थी और ये महाराज की शिवाजी महाराज की पहली पत्नी थी। अब उनका जो खानदान है इस सही भाई से उनको तीन पुत्री और एक पुत्र हुआ। पहली जो कन्या थी पुत्री थी वह सखुबाई या सखवार बाई इसे कहते हैं, वह फलटन के महाजी नाइक निम्बाळकर को दी थी, ये आगे चलकर औरंगजेब के सरदार भी बने। दूसरी जो कन्या थी रानूबाई वह भुईज सातारा बाई के पास भुईज नाम का गांव है वहाँ के अचलोजी जाधवराव की पत्नी थी, ये भी शिवाजी महाराज के एक सरदार थी। तीसरी जो पत्नी थी अंबिका बाई वह महाराज के एक सरदार हरजी राजे महाड़ी तारले सातारा जिले में उनका गांव था तारले नाम का, वहाँ के वो सरदार थे उस इलाके के, वो शिवाजी महाराज के दामाद बने और अंबिका बाई के पति बने और महाराज को इकलौता एक इनसे सही भाई से एक पुत्र हुआ जिसका नाम छत्रपति संभाजी महाराज जो शिवाजी महाराज के बाद वे औरंगजेब से लड़े। महाराज के मृत्यु के बाद 9 वर्ष तक उन्होंने स्वराज्य की रक्षा की, आखिर वह औरंगजेब से उनका वध हुआ। तो ये पहली पत्नी उनकी तीन बेटियां और एक पुत्र था। महाराज की दूसरी पत्नी थी सगुना भाई जो सिरके खानदान से आती है, यह विवाह 1631 को हुआ और 1641 को हुआ। इनकी एक कन्या थी नानी बाई या जिसे राजकुंवर बाई कहते हैं, यह सरदार गनौजी सिरके दाभोलकर इनको दी थी और इनकी बहन संभाजी राजा की पत्नी बनी येसुभाई नाम की। उसके बाद तीसरी पत्नी आती है सोहराबाई। सोहराबाई तलवीड़ के सतारा जिले के तलवीड़ नामक गांव में मोहिते नाम का एक प्रसिद्ध खानदान था। ये मोहिते संभाजी मोहिते जे सोहराबाई के भाई थे और शाहजी महाराज के साथ वे निजाम शाही में सरदार भी थे। तो सोहराबाई का विवाह तीसरे पत्नी के रूप में शिवाजी महाराज से हुआ और उनकी एक कन्या थी दीपाबाई जो सरदार विसाजेराव नामक सरदार से उसकी शादी हुई थी और आगे चलकर उनको एक पुत्र हुआ जिसका नाम राजा राम था। अर्थात सोहराबाई संभाजी मोहिते की कन्या थी और अंबेराव मोहिते की बहन थी। तो ये महाराज की तीसरी पत्नी थी। आगे चलकर सकवार भाई जो मुंडवा पूना के पास है गांव था, इनके गायकवाड़ घराने से गायकवाड़ खानदान से वो आई थी और इनकी शादी 10 जनवरी 1657 में हुई और इनको एक कन्या थी कमलदाबाई या कमलाबाई जिसका विवाह महाराज के सरसेनापति नेताजी पालकर के खानदान में जानोजी पालकर से हुई। ये महाराज की चौथी शादी थी। उसके बाद महाराज की पांचवी जो शादी थी काशीबाई जाधव सिंधखेड़ मतलब जिजाऊ के मायके से ये खानदान आता है और ये शादी 8 अप्रैल 1657 के 57 को हुई और संताजी जाधव इनकी ये कन्या थी। ये संताजी राव जाधव शाहजी महाराज के साथ ही अजीतशाही में सरदार थे और वहाँ वे मारे गए। आगे चलकर जे छठी पत्नी थी शिवाजी महाराज की जिसका नाम है पुतली बाई और ये नेताजी पालकर के
भतीजी थी। नेताजी पालकर का ये खानदान पहले चौक में था और बाद में मुक्काम पोस्ट तांदड़ी तालुका चुरू जिला पुणे, यहाँ आकर वे स्थिर हुए। यहाँ उनको जागीर मिली। 15 अप्रैल 1657 में उनकी शादी हुई। उसके बाद सातवीं जो शादी है वह लक्ष्मीबाई विचारे मतलब मोरे जावड़ी की मोरे की कन्या विचारे विचारे खानदान से, विचारे मतलब विचारवंत और खानदान तो मोरे का था, और ये सातवीं शादी लक्ष्मीबाई के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज की हुई। अब आठवीं जो पत्नी है शिवाजी महाराज की वो महाराष्ट्र के वराड़ प्रदेश गुणवंतबाई नाम की, और शिवाजी इंगड़े जो महाराज के एक सरदार थे उनकी वो बेटी थी। वराड़ में चिखली तालुके में करवंड नाम का गांव है, वहाँ का ये खानदान था। आगे चलकर वो स्वराज्य में आए, महाराज के सरदार बने और गुणवंत भाई से शिवाजी महाराज की शादी हुई। अब इस प्रकार की आठ शादियाँ रचाकर जिजाऊ वास के सामने कौन सा विचार था? कुछ लोग बोलते हैं कि आठ आठ शादियाँ क्यों की, इसके पीछे एक राजनीति थी। और जिजाऊ माँ साहेब एक केवल महिला नहीं थी, वो दूर दृष्टि की महिला थी। दुनिया के सक्षम महिला में जिनका नाम लिया जाता है वह थी जिजाऊ माँ साहेब के। भारत में सभी ओर यवनों का शासन फैला हुआ था और ऐसे में अपने बेटे को आगे करके जिन्होंने यह स्वराज्य स्थापित किया, और इतना ही नहीं आगे चलकर महाराष्ट्र में तो शिवाजी महाराज के काल में स्वराज्य की स्थापना हुई, लेकिन उनके पोते छत्रपति शाहू महाराज के काल में पूरे हिंदुस्तान पर मराठाओं का राज फैला हुआ था। आओ बेटे तुम्हें दिखाए झाके हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है मैदान की। यहाँ मराठा डोला था, यहाँ मराठे डोले थे, मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पे तोला था, बोली हर हर महादेव की, बच्चा बच्चा बोला था, बच्चा बच्चा बोला था। यहाँ शिवाजी डोला था मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पे तोला था, ऐसा सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपने कविता में कहा है कि यहाँ हर पर्वत पर आग लगाने की कोशिश छत्रपति शिवाजी महाराज ने की, और पूरे हिंदुस्तान पर आगे चलकर मराठाओं ने कब्जा किया। उसके पीछे एक महिला थी, एक स्त्री थी जिसका नाम था जिजाऊ माँ साहेब। राजमाता जिजाऊ नाम से उनको महाराष्ट्र में या भारत में पहचाना जाता है, और यह शादी रचाने का उनका एक हेतु था, एक कारण था कि बड़े बड़े सरदारों की बेटियां या बहनें मेरी अगर बहू बने तो वही हमारे स्वराज्य को ताकत देंगे। और ऐसा ही हुआ। जब अफजल खान नाम का एक महान योद्धा, एक जिसको सभी हिंदुस्तान के लोग या सरदार डरते थे, वो छत्रपति शिवाजी महाराज को गिरफ्तार करने के लिए महाराष्ट्र पर आया, तो सभी सरदार इकट्ठे हुए, जिसमें उनके आठ पत्नियों के घर के सारे सुरमावीर थे, जो जिसमें से कई उनके बॉडीगार्ड थे, रक्षक थे, और आगे चलकर उन्होंने अफजल खान की हत्या की। इसके कारण उनके साथ बहुत बड़ी मराठाओं की सरदारों की ताकत बनी, और उनके पीछे उनकी माँ जिजाऊ माँ साहेब थी। और इसीलिए आज इस मातृदिन के अवसर पर इस दूर दृष्टि की महिला को नमन करके, और उन्होंने जो अपने बेटे को एक ताकत दी इसीलिए उनको पुनश्च नमन करके मैं यहाँ आज रुकता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।